शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया मुहर्रम का पर्व। हर चौक चौराहे पर शिकारपुर थाना के द्वारा पुलिस बल की रही तैनाती। एसडीएम धनंजय कुमार एवं एसडीपीओ कुंदन कुमार के निगरानी में निकाली गई फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई मुहर्रम का जुलूस। न्यूज़ 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। इस्लामिक साल यानी हिजरी का पहला महीना मुहर्रम है। इस्लामिक समुदाय के लिए यह महीना रमजान की तरह ही पवित्र है। यूँ तो हर त्यौहार खुशी और उत्साह का प्रतीक होता है, लेकिन मुहर्रम एक ऐसा त्यौहार है जो शोक के लिए मनाया जाता है। मुहर्रम के महीने में ही इराक के शहर कबला में पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इजरत इमाम हुसैन को उनके बच्चे और दोस्तों समेत शहीद कर दिया गया था। उन्हीं की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इसको लेकर नरकटियागंज नगर के देवलिया पिपरा शिवगंज देवलिया मदरसा खोड़ी समेत विभिन्न जगहों पर मुहर्रम पर्व को लेकर अखाड़ा का आयोजन किया गया। सोमवार की रात्रि में शहर के विभिन्न जगहों पर खिलाड़ियों ने लाठी बल्लम खेला, साथ ही नगर के नौजवान किशोर व बच्चे लाठी भाजते नजर आए। इस बीच देर रात्रि में नगर के समाजसेवी राजेश श्रीवास्तव देवलिया मदरसा खोड़ी में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे। इस दौरान अखाड़ा के आयोजकों ने राजेश श्रीवास्तव को गमछा देकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राजेश श्रीवास्तव के आने से खिलाड़ियों और लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। राजेश श्रीवास्तव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया और कहा कि मुहर्रम पर्व शांति और आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। इस दौरान देर रात्रि में मनीर आलम, राधेश्याम तिवारी व बबलू सराफ विभिन्न जगहों से होते हुए देवलिया मदरसा खोड़ी अखाड़ा के पास पहुँचे। सभी ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया और बेहतर खेल खेलने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। मंगलवार की दोपहर में मुहर्रम पर्व के दौरान जुलूस निकाला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। वहीं जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से शिकारपुर थाना में प्रवेश कर युवाओं ने अपनी कला प्रदर्शन करते हुए थाना से निकलकर शिवगंज होते हुए हरदिया चौक धूमनगर ईदगाह में संपन्न हो गया, जहाँ आसपास के बच्चे बूढ़े और महिलाएँ मेला में घूम घूम कर मेला का आनंद लिए। वहीं पर्व को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रही। शिकारपुर थाना के SI सत्येंद्र कुमार मांझी ने बताया कि मुहर्रम का जुलूस शांति तरीके से निकाला गया है, जिसको लेकर शिकारपुर थाना के द्वारा हर चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाए, ताकि किसी भी प्रकार कोई हताहत ना हो। न्यूज़ 9 टाइम्स। आज मुहर्रम का पर्व है और जुलूस निकल चुका है शिकारपुर थाना की तरफ, क्या तैयारी हुई? शिकारपुर थाना की तरफ से हर चौक चौराहे पर जहां मुहर्रम जुलूस हो रही है, जहां से स्टार्ट हो रही है गंतव्य स्थान तक जाने के लिए, सब जगह फोर्स और विधि व्यवस्था की पूरी तैयारी है। अभी तक कोई हताहत नहीं ना हुआ? अभी तक तो बिल्कुल शांत चल रहा है और पूरी उम्मीद है कि अभी इस समय कट जाएगा। आप अपना पद नाम बताइए। मुहर्रम को लेकर क्या कहें? हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ जुलूस लेके थाना के तरफ निकल रहे हैं। सभी लोग, आप लोग देख ही रहे हैं कि कितने शांति से हम लोग जा रहे हैं, और हम सभी लोग भाईचारे के लिए ये संदेश देना चाहते हैं। सभी यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिल के मुहर्रम मना रहे हैं।